हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। स्वागत है आप सभी का वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल में। आई होप सब अच्छे हैं, सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर हम लोग लाइव आ चुके हैं तो गाइस एक बार जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, अगर हम लोग लाइव आ चुके हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए गाइस कि हम लोगों की जो क्लास है वो सब कुछ ओके चल रही है। क्या हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट से बताइए क्या हमारी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, आई होप सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलिए ओके। सो गाइस एक बार वीडियो का जो लिंक है जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर लें। जो रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते हैं तो वीडियो को लाइक करके एक बार जल्दी से क्लास का लिंक शेयर कर दो। आज काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जल्दी से आप लोग क्लास का लिंक शेयर करके क्लास में वापस आ जाना। तो क्रैक क्रैक एनटीए यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? दिस इज क्लास नंबर 9th ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। आज हम करेंगे रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन ईयू, एशान, सार्क, नाफ्टा, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। और समझने के बाद, थ्योरी करने के बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है? तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो फटाफट से जो क्लास का लिंक है जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सानिया अंसारी जी, गुड मॉर्निंग प्रवीण नायक जी, स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 इयर्स एंड दीज आर माई सम स्मॉल अचीवमेंट्स। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कोर्सेज की प्लान की, तो आइकॉनिक एंड प्लस दो तरह के प्लान अवेलेबल है। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर हम बात करें आइकॉनिक की, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें आइकॉनिक की, तो 3 प्लान अवेलेबल है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर हम बात करें प्लस प्लान की, तो 4 प्लान अवेलेबल है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अगर आप आजम सर एज ए रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमने भी अपना प्लस कोर्स लॉन्च किया है पेपर वन के लिए, जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे को शाम को 4 बजे से जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट से आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो प्लस आइकॉनिक दोनों में कुछ कॉमन बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर करवा दी जाती है। गाइज ये 2022 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट होने वाले हैं। आज कल 13 तारीख है, मंडे से स्टार्ट होंगे ये, ठीक है? कल 12 है, परसों 13 है, तो मंडे से बैच स्टार्ट होने वाला है। दिस इज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज योर पेपर वन बैच, जो कि 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा। एंड दिस इज योर पेपर वन बैच, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट हुआ ही है, कल पहली क्लास हुई होगी इसकी, तो आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को कौन कौन से नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं? यस और नो? आई होप सब कुछ क्लियर होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फिर। ये 27 अक्टूबर वाले बैच हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्यूटर साइंस है, ये मैनेजमेंट एंड पेपर वन है, दिस इज पेपर वन इन हिंदी। ओके गाइस, बग्स बाउंटी क्या होता है? अगर आपको वीडियो लेक्चर में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट कैसे करेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, इसको फिल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस अगर हम बात करें स्पेशल क्लासेस की, तो ये कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल करवाई जाती है। जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आपकी चलती हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप पे, तो आप वहां पे आ सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, इसमें आप पोल कर सकते हो, यहाँ पे आप हैंड रेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो।
आप क्लास मिस नहीं करेंगे बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं। लेक्चर नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और एनी टाइम एनीवेयर का मतलब है कि जो क्लासेस हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड रहती है, तो आप अपनी क्लासेस को कभी भी कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। गाइज ये मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लास है जो कि रात को 8 बजे होने वाली है, ये आज की क्लास है, आज रात को 8 बजे क्लास चलेगी आपकी, दैट इज ऑन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर यूजीसी नेट पेपर वन। ठीक है, ये आपका पेपर वन का की जो क्लास है वो आज रात को होगी, तो आप इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करें। ठीक है, हाँ जी, आई होप यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज शाम को 8 बजे खुद भी आना और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को लेकर के आना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये, हमारी स्पेशल क्लासेस हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट ये हमारी रिकॉर्डेड सेशन है, ये हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, आप इन सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। नाउ गाइज स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आज हमारी क्लास रहने वाली है। तो गाइज एक बार फाइनली आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लिंक शेयर कर दो, ताकि अब जो क्लास है वो आगे किसी की क्लास मिस ना हो, बिकॉज अब हमारा मेन टॉपिक आ चुका है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर लें आपके साथ साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट जो है एट प्रेजेंट, जो पॉपुलर अग्रीमेंट है, हम इनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें आपका यूरोपियन यूनियन जो है दैट इज मोस्ट पॉपुलर, देन आपका एशियान है, देन सार्क है, देन नाफ्टा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, प्लस ये ज्यादा ज्यादा पॉपुलर है। मतलब और भी बहुत सारे हैं अग्रीमेंट, अलग अलग ट्रेड अग्रीमेंट बने हुए हैं दुनिया में, हर जगह जगह हर जगह ही बने हुए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे बने हुए हैं, इनका लेवल काफी बड़ा है, बड़ी बड़ी कंट्रियां इसमें शामिल हैं। और दूसरा गाइस इसमें ये है कि ये पॉपुलर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ज्यादातर न्यूज में रहते हैं तो इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर हम थ्योरी भी करेंगे और प्लस साथ में एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज व्हाट इज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, क्या होता है रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट? रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट रेफर टू अ ट्रीटी दैट इज साइन बाय टू और मोर कंट्रीज टू इनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता है, एक संधि एक तरीके से अग्रीमेंट है, जो दो या दो से अधिक देशों द्वारा अपने सदस्यों की सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि दैट इज द इंकरेजमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इट्स मेंबर्स, जो इसके मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो दे इनकरेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट की बात की जा रही है। सो द प्राइमरी गोल ऑफ इम्पोजिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेड बैरियर रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला जा रहा है कि थोपने के प्राथमिक लक्ष्य और अन्य प्रकार के व्यापार अवरोध विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन को प्रबंधित करते हैं। ठीक है, तो सो द प्राइमरी गोल क्या होता है, दैट इम्पोजिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेड बैरियर रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पर मेनली बात किस बारे में की जा रही है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो जाए, दैट इज द मेन एम ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट, इसीलिए ट्रेड अग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में। अब यहां पर गाइज एग्जाम्पल्स क्या है इसके, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट? सो दिस इंक्लूड नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज नोन एज नाफ्टा। गाइज इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, बिकॉज आपके फुल फॉर्म जो है एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो या तो आप इसको कॉपी प्लस पेन लेके बैठो, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट कर लो, एक काम ये हो सकता है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप लोग इस चीज को रिवाइज कर सके। ठीक है, हाँ जी विष्णु गुप्ता जी वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चे लेट आए मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज यूरोपियन यूनियन के बारे में, एशियान, सार्क, नाफ्टा एंड इसके हम थियोरी और एमसीक्यूज दोनों ही आज आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है, और हम लोग यहाँ पर जस्ट अभी डेफिनेशन डिस्कस करिए, और अभी हमने इसके एग्जाम्पल देखे हैं कि आपके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाफ्टा है, देन सेंट्रल अमेरिकन डोमिनिशियन रिपब्लिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट काफ्टा डीआर, ठीक है। देखो आप इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी एक तरीके का रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट है। आप इसको पहले क्यों नहीं सुना, क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ लो, इसके बारे में समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। इसके अलावा गाइस यूरोपियन यूनियन जो कि एक फेमस ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसको हम ईयू के नाम से जानते हैं, एशिया एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन अपेक, इसकी गाइस फुल फॉर्म याद कर लो, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। हिंदी में बोले तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए फिर बताओ। चलिए अब हम एक एक करके सभी अग्रीमेंट के बारे में समझते हैं। तो आपका इसमें आ जाएगा दैट इज यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन ईयू। गाइस ईयू है क्या और कब बना ये, किस तरीके से इसके अंदर काम होता है, तो देखते हैं। द यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज, कितनी कंट्री है इसके अंदर, 28 कंट्रीज है, पहले 27 थी, एक और जुड़ गई बाद में, दैट ऑपरेट एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। क्या बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक भी इनका अग्रीमेंट हो रखा है, पॉलिटिकल ब्लॉक बना रखा है इन्होंने। 19 ऑफ दीज कंट्रीज यूज यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। अब 28 में से 19 कंट्री ऐसी हैं जो कि एक सिंगल करेंसी यूज करती हैं, एक सिंगल करेंसी यूज होगी दैट इज यूरो। 9 ईयू मेंबर्स दैट इज बुल्गारिया, क्रोटिया, चीज रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम डू नॉट यूज द यूरो। ये ऐसी कंट्री हैं जो कि आपके ईयू का पार्ट तो हैं, लेकिन वो यूरो यूज नहीं करते हैं एज देयर करेंसी, उनका खुद की अपनी करेंसी है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा क्या देखा कि जो टोटल 28 कंट्री हैं, उस 28 में 19 कंट्रियां जो हैं वो तो यूरो यूज करती हैं, आपका यूरो यूज हो जाएगा यहां पर, और जो बाकी रिमेनिंग 9 कंट्रीज है वो अपनी खुद की करेंसी यूज करती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं गाइस। द ईयू ग्रू आउट ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सिंगल यूरोपियन पॉलिटिकल एंटिटी टू एंड सेंचुरीज ऑफ वारफेयर अमंग यूरोपियन कंट्रीज दैट कल्मिनेटेड विद वर्ल्ड वॉर टू एंड डेसिमिनेटेड मच ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने एक सिंगल यूरोपियन पॉलिटिकल एंटिटी बनाने की कोशिश करी है, वो इसलिए बनाया गया कि भाई हम आपस में लड़ते रहते हैं तो लड़ाई बंद हो जाएगी, एक सिंगल पार्टी बन जाएगी हमारी अमंग यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, और वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो इन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया था, इस कॉन्टिनेंट को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर गाइस ईयू जो है वो फॉर्म किया गया था कि हमें मिलजुल कर रहना है और सिंगल यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टी को हमें बनाना है। द ईयू हैज डेवलप एन इंटरनल सिंगल मार्केट थ्रू स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लॉज दैट अप्लाई इन ऑल मेंबर स्टेट्स इन मैटर्स वेयर मेंबर्स हैव अग्री टू एक्ट एज वन। क्या बोला जा रहा है कि ईयू हैज डेवलप एन इंटरनल सिंगल मार्केट, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी खुद की एक सिंगल मार्केट डेवलप कर ली है, सब मिल करके एक सिंगल मार्केट बनाते हैं, जहां पर क्या होता है स्टैंडर्डाइज सिस्टम इन्होंने लाया हुआ है, एक लॉ बना दिया वहां पर दैट अप्लाई इन ऑल मेंबर स्टेट्स, जितने भी मेंबर हैं हर जगह वो लॉ जो है अप्लाई होता है, वेयर मेंबर्स हैव अग्री टू द एक्ट एज वन, और सभी मेंबर्स उस पे अग्री हो चुके हैं और उसी लॉ को ये अपने मेंबर कंट्रीज में सभी से फॉलो करवाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने आपस में जो लड़ाई है, जो लड़ाई करते थे आपस में, वो खत्म हो गया है, पॉलिटिकल तरीके से
तरीके से लड़ाई नहीं होती है, ठीक है, और ना ही ये इकोनॉमिक तरीके से लड़ाई करते हैं। पॉलिटिकल तरीके से भी इन्होंने एक पार्टी बना ली है और इकोनॉमिक तरीके से भी इन्होंने क्या किया है, आपस में अग्रीमेंट कर लिया है। नाउ गाइस, अगर हम बात करें गोल्स की, तो गोल क्या है इसके, इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपियन यूनियन की गोल क्या है? सो दिस प्रमोट पीस वैल्यूज एंड वेल बींग ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ ईयू, दिस इज द गोल, ऑफर फ्रीडम सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर, बॉर्डर को भूल जाओ और सभी के साथ सिक्योरिटी फ्रीडम जस्टिस करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी विद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कॉम्बेट सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये सब तो ऐसे नॉर्मल जनरल गोल है। इनहांस इकोनॉमिक सोशल एंड टेरिटोरियल कोहेशन एंड सॉलिडिटी अमंग ईयू कंट्रीज, रिस्पेक्ट इट्स रिच कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इस्टेब्लिश एन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन विच हुज करेंसी इज यूरो। तो गाइज, अगर हम बात करें इन सभी गोल की एज ए सिंगल टर्म में, तो क्या बोला जा रहा है कि जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, कि हम बोलते हैं कि भाई डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात है, वही वाली बात है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं वो सब मिल करके एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, ये आपका यूरोपियन यूनियन हो गया। और हर जगह नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है ईयू का, ईयू का इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया एशिया में है, हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में है, और यूरोपियन यूनियन क्या है, ये यूरोप में है, वो कंट्रियां जो कि यूरोप में है उन कंट्री का आपस में अग्रीमेंट इन्होंने बना लिया है, ठीक है। तो ये था गाइस। अब इसके अंदर ब्रेग्जिट क्या है, यहां पर एक ब्रेग्जिट करके क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपके, ब्रेग्जिट करके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेग्जिट क्या है। तो गाइस, ब्रेग्जिट क्या है, इन 2016 अ रेफरेंडम कॉल्ड ब्रेग्जिट वाज हेल्ड बाय यूके गवर्नमेंट एंड द नेशन वोटेड टू लीव द ईयू, नाउ द प्रोसेस इज अंडर यूके पार्लियामेंट फॉर फॉर्मल विड्रॉल फ्रॉम ईयू। तो क्या बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया था, जिसको ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ गाइस हम बात कर लेते हैं एशियान की। व्हाट इज एशियान? अब एशियान में क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। गाइस ये याद कर लो, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियान, क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टैब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमंग राइजिंग टेंशन अमंग द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसे एशिया प्रशांत के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर भी एक तरीके से कॉपरेशन किया जा रहा है कि आपस में लड़ाई, हम लोग लड़ाई ना लड़े और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीके से आपस में मिलजुल करके रहे हम। द मोटो ऑफ एशियान इज वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये आपका विजन था। 8 अगस्त इज ऑब्जर्व इज एशियन डे। तो ऐसा आप ये याद रख सकते हो कि एशियन डे कब मनाया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अगस्त, 8 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एशियन सेक्रेटरिएट कहाँ पर है, इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग हेडक्वार्टर कहते हैं ना, कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वही है कि एशियन का सचिवालय कहाँ पर है, हिंदी में बोले तो इंडोनेशिया जकार्ता इंडोनेशिया में। आई थिंक इसके ऊपर हमने पहले क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, यस और नो, आप लोगों को याद है क्वेश्चन, नहीं याद है, आई थिंक रोहित यादव जी ने इस क्वेश्चन का आंसर भी किया था, आई थिंक शायद कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, नहीं हो रहा?
हाँ जी डर। गाइस बताइए जल्दी से फटाफट, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो एशियान के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, एक बार हम लोग इसकी मेंबर कंट्री समझ लेते हैं, बिकॉज एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसके मेंबर नेशन कौन कौन से हैं। तो मेंबर नेशन कौन कौन से देख लो आप, यहां पर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनिय, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये हैं आपके एशियान के मेंबर्स। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लो, फुल फॉर्म गाइस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। सो द फुल फॉर्म ऑफ सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। कब बनी थी ये? इट वॉज स्टेब्लिश विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985, 1985 में, 8 दिसंबर 1985 ढाका, दैट इज बांग्लादेश, यहां पर इसको साइन किया गया था। द आइडिया ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया वॉज फर्स्ट रेज इन नवंबर 1980, 1980 में पहली बार इसके बारे में बात की गई थी कि हमें भी आपस में एक मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में कंट्रियां जो हैं। आफ्टर कंसल्टेशन द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द 7 फाउंडिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, याद कर लो गाइज ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसके मेंबर कंट्री जो है सार्क की वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सार्क है, इंडिया इज ए सार्क, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश जो कि फाउंडिंग कंट्री में से आता है जहां पे साइन हुआ था, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो इन अप्रैल 1981, 1981 में कोलंबो में मिले सब लोग, और इन्होंने बोला कि भाई हमें एक ऐसा अग्रीमेंट करना चाहिए, एक ऐसा कॉपरेशन करना चाहिए जो कि हमारे सभी देशों का भला हो, सबका फायदा हो, और जब भी हम लोग ट्रेड वगैरह करें तो कोई दिक्कत ना आए। अफगानिस्तान बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट 13th एनुअल समिट इन 2005, 2005 में अफगानिस्तान भी इसका एक मेंबर बन गया। द हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन आर इन काठमांडू, नेपाल। तो अगर हम बात करें सार्क की तो काठमांडू नेपाल में जो है इसका हेडक्वार्टर स्टेब्लिश्ड है। ठीक है समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया गाइस, चीजें समझ में आ रही हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एसोसिएशन नहीं कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अगर बात करें सार्क की तो हम लोग सार्क हैं, क्या हम लोग एशियन हैं, चलो बताओ क्या हम लोग एशियन हैं या नहीं, हम लोग इंडिया एशियन नहीं है, इंडिया सार्क है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि हम लोग सार्क में है लेकिन हम लोग एशियन में नहीं है, ये हैं आपके एशियन वाले नेशन, इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आपके मेंबर्स हैं सार्क के गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो अपनी कॉपी में फटाफट से। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसमें स्टार्टिंग में इन लोगों ने मिलकर के स्टार्ट किया था, और अफगानिस्तान ने 2005 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक नया मेंबर बना है इस एसोसिएशन का, ठीक है। तो टोटल 8 जो मेंबर हैं वो मैंने आपके सामने लिस्ट दे दी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 8 के 8 जो मेंबर हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है।
ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ गाइज नेक्स्ट आपका एसोसिएशन है, दैट इज नाफ्टा। नाफ्टा इज एन अनदर एसोसिएशन जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाफ्टा? दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नाफ्टा। तो गाइज ये याद कर लो, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन यूजली नाफ्टा इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अमंग कैनेडा, यूएस एंड मैक्सिको। बस ये तीन ही कंट्री हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। नाफ्टा वेंट इन टू इफेक्ट ऑन January 1, 1994 में इसको बनाया गया था। नाफ्टा इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द ट्राइपार्टाइट ट्रेडिंग ब्लॉक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइपार्टाइट का मतलब है कि तीन कंट्रियाँ हैं, तो तीन कंट्री मिलकर के इसको बना रही हैं। अब हुआ ये 1994 में इसलिए इसको और बनाया गया था बिकॉज यहाँ पर है कनाडा, यहाँ पर है यूएसए और यहाँ पर छोटा सा आपका मैक्सिको है। ये आपका मैक्सिको है, कनाडा, यूएस। अब यूएस को कोई सामान भेजना होता था तो यहाँ से जाता था, कनाडा को भेजना होता था तो यहाँ से जाता था। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सिको वाले बीच में बैठे, ये यूएस वाले इधर से आते थे, बोलते थे चलो पैसे निकालो, डॉलर निकालो, क्योंकि हमारे यहाँ से आप जाओगे तो पैसे दो, ये $10 दे देते थे, चलो भाई पैसे दे दिए, इन्होंने जाने दिया। जब कनाडा आता था यूएस में सामान भेजने, चलो पैसे निकालो, तो ये भी $10 दे देते थे। तो कनाडा और यूएस ने दिमाग लगाया कि यार ये तो हमें पागल बना रहे हैं, ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं, ये तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम तो ट्रेड करते ही रहेंगे आपस में। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा अग्रीमेंट बनाया जाए जिसमें मैक्सिको को पागल बनाया जाए, मैक्सिको को क्या बनाया जाए, पागल बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि मैक्सिको को पकड़ लिया, इधर कनाडा और यूएस, इन्होंने क्या किया आपस में इसको पकड़ लिया, बोले भैया सुनो एक काम करते हैं, हम तीनों भैया भैया हम तीनों दोस्त हैं, तीन दोस्त मिलजुल के रहेंगे यार, क्या दिक्कत है, एक अग्रीमेंट कर लो जिसमें तुम सामान भेजोगे तो हम पैसे नहीं लेंगे, इधर भेजोगे तो हम भी पैसे नहीं लेंगे, हम भेजेंगे आपस में तो तुम भी पैसे मत लेना। तो इस तरीके से जो ये अग्रीमेंट आपका ये बना था, क्योंकि मैक्सिको जो है वो बीच में दोनों का ही पैसे, मतलब एज एन टैक्स वगैरह जो है वो कलेक्शन ज्यादा हो रहा था उनका, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा? बताइए गाइस, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ जी, 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1994 में इसको बनाया गया था, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म। और थर्ड वन इज कि इसके मेंबर कौन है, तो कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है बिकॉज ये आपके एग्जाम के पर्पज से तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को? बताओ, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सो नाफ्टा रिमूव्ड ड्यूटीज ऑन मोस्ट ऑफ ऑल यूएस एक्सपोर्ट शिफ्ट टू मैक्सिको एंड कनाडा। नाफ्टा ने क्या किया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी ही जो ड्यूटी ली जाती थी उनको ही खत्म कर दिया, ऑल यूएस एक्सपोर्ट शिफ्ट टू मैक्सिको एंड कनाडा। तो जब भी यूएस सामान भेजेगा मैक्सिको में कनाडा में तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। द अग्रीमेंट ग्रेजुअली फेज्ड आउट अदर टैरिफ्स एंड ड्यूटीज ओवर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल के लिए जो है यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ कि भाई हम लोग 14 साल के लिए कुछ नहीं करने वाले, कोई टैक्स नहीं लेने वाले। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैटेगरीज सच एज ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर वर टू बी रिमूव्ड। इनको जनरली सबसे पहले रिमूव किया गया, ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। That treaty also protected intellectual property rights. IPR को भी यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोटेक्शन दी गई है विद पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, एंड आउटलाइन द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट अमंग द थ्री कंट्रीज। तीन कंट्री हम जो मिलकर के यहाँ पर इन चीजों को लेके चल रहे हैं। सप्लीमेंटल अग्रीमेंट साइन इन 1993 में एक नया अग्रीमेंट बनाया इन्होंने, मेड प्रोविजन रिगार्डिंग वर्कर राइट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो वर्कर राइट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के भी इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया हुआ है कि भाई इन चीजों को भी हमें ध्यान में
रखना है, ठीक है। नाउ गाइस, अगर आप लोगों को क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें फिर। और एमसीक्यूज पे जाने से पहले, एमसीक्यूज में कर रहा हूं इससे पहले, आप लोग एक छोटा सा टेस्ट दीजिए। चलिए एक क्विक टेस्ट हो जाए, क्विक टेस्ट में देखते हैं कौन बच्चा अच्छे से आंसर करता है, किसने समझा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया कौन से कॉर्पोरेशन का मेंबर है? नाफ्टा का मेंबर है ये, या एशियान का मेंबर है ये, या ईयू का मेंबर है, या सार्क का मेंबर है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए, किसका मेंबर है ये? पहला क्वेश्चन, इंडिया इसमें से किस कॉर्पोरेशन का मेंबर है? चलिए मैं आपके आंसर के वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे भाई, आंसर सभी को करना है, ऐसा ना हो कि एक ही बच्चा आंसर करे बाकी बच्चे बैठे हुए शांत। ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, रोहित यादव जी का आंसर आया है सार्क, और यहां पर प्रियंका मुखेरिया जी ने भी आंसर किया है, दैट इज सार्क। सो सार्क इज द कॉपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें इंडिया एक पार्ट है इसका, ठीक है। चलिए वेरी गुड गाइज, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सार्क क्योंकि हमारा इस इंडिया भी इसमें एक मेंबर है, इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं? हाउ मैनी कंट्रीज, हाउ मैनी कंट्री, कितनी कंट्री आती है इसमें, बताओ जल्दी से फटाफट। सार्क के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हैं, और ये कब स्टेब्लिश हुआ था? चलो स्टेब्लिश डेट भी बताओ, कौन से ईयर में सार्क को स्टैब्लिश किया गया था, और कितनी कंट्री इसके अंदर आती हैं? ओके वेरी गुड, हाँ जी, एट कंट्री आती हैं। ज्योति कुमारी जी का भी आंसर आ चुका है, प्रवीण जी ने भी आंसर किया है, वेरी गुड, ओके एक्सीलेंट गाइस। चलिए वेरी गुड, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कीजिए, प्रवीण नायक, हाँ जी बिल्कुल, एट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यूरोपियन यूनियन के अंदर से किस कंट्री ने, किस कंट्री ने एग्जिट ले लिया है, एग्जिट ले लिया, कौन सी कंट्री है? ईयू के अंदर से किस कंट्री ने एग्जिट कर लिया है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ जी, आंसर नहीं आया अभी तक आप लोगों का। ईयू से कौन सी कंट्री ने एग्जिट किया है? ईयू के अंदर टोटल 28 कंट्रियां थी, याद करो, टोटल 28 कंट्री थी इसके अंदर, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले ही, समझा था इन चीजों को। तो कौन सी कंट्री ने इसमें से एग्जिट कर लिया है? गाइस आंसर कीजिए, नहीं पता किसी को, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड किंगडम ने यहां से एग्जिट कर लिया, याद है। अभी तो बताया था ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट के नाम से फेमस है ये, ब्रेक्जिट के नाम से फेमस है, यूके ने जो एग्जिट लिया है, आई थिंक बीआर का मतलब ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन होगा शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, ब्रिटेन ने एग्जिट लिया है जिसको शायद ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। तो इसको हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले ही, आई थिंक आप लोग भूल गए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, बच्चे लोग आंसर करेंगे।
अरे यार गड़बड़ कर दी मैंने, तो पेन लेना था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है? चलिए बताइए, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्टेब्लिश्ड है? किस कंट्री में सार्क का हेडक्वार्टर बना हुआ है? आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट से। हाँ जी आंसर करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। भूटान या नेपाल? अलग अलग आंसर कर रहे हैं आप लोग तो भाई। एक बच्चे का आंसर नेपाल है, एक बच्चे का भूटान है। अभी हमने डिस्कस किया है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है, इट्स नेपाल और भूटान। ठीक काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल। ओके देखते हैं एक बार, सार्क हीरा। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो इसका हेडक्वार्टर है हमारे सार्क का वो कहां पे है, काठमांडू नेपाल। जिसका काठमांडू नेपाल है उसका एकदम राइट आंसर है, और बाकी बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी। तो चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी चलता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एपेक की फुल फॉर्म बताओ। चलो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपेक, हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। एपीईसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपेक। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका कि एशियन एशियन डे कब मनाया जाता है, एशियन डे किस डे को सेलिब्रेट करते हैं? चलिए ये दो क्वेश्चन बताइए, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं मैंने यहाँ पर, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। तो एक बार जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी एशियन डे मनाते हैं 8 अगस्त को। ओके रोहित यादव जी कहते हैं सर एशिया पब्लिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पब्लिक नहीं है यहां पर, पैसिफिक है वो। एपेक की फुल फॉर्म क्या थी, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन है ये, ठीक है, एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपेक। और एशियन डे कब मनाते हैं हम लोग, एशियन डे सेलिब्रेट करते हैं 8 अगस्त को। तो हम लोग नहीं मनाते, जो मेंबर कंट्री हैं इनकी वो मनाते होंगे, क्योंकि हम तो एशिया का उनका पार्ट ही नहीं है, एशियन का इंडिया तो पार्ट ही नहीं है उसमें, देखा हम लोगों ने मेंबर्स कंट्रीज में। ठीक है तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी हम लोग कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है।
चलिए गाइस, मैं आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यूज लेके आता हूँ, आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से फटाफट। आपके एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन के अगर देखा जाए तो कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होती है। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। पढ़ लिया सभी ने? गाइस आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए और बी में बच्चे कंफ्यूज हैं, ऑप्शन ए और बी। ओके चलिए गाइस, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सही है। ट्रेड क्रिएशन मीन्स प्रेफरेंस टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर नेशंस, प्रेफरेंस दी जाती है क्या। ओके देखते हैं आगे। ट्रेड क्रिएशन मीन्स प्रेफरेंस टू इंटरनेशनल गुड्स इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक गुड्स। ट्रेड क्रिएशन इज पॉसिबल इन गुड्स बट नॉट इन सर्विसेज। ट्रेड क्रिएशन मीन्स प्रेफरेंस टू एफिशियंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रेड क्रिएशन मीन्स प्रेफरेंस टू एफिशियंट सोर्स ऑफ सप्लाई। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से स्टेटमेंट कंसिडर करो, तीन आई थिंक स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू, स्टेटमेंट नंबर थर्ड। बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द कोड 1 2 3। स्टेटमेंट जो गिवन है दैट इज एबीसी की फॉर्म में ही है। ऑप्शन ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी। तीन स्टेटमेंट गिवन है, बताओ इसमें कौन सा सही है। चलिए गाइस आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ जी बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। सी तो हो नहीं सकता, इंडिया हैज ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो सी तो हो नहीं सकता। तो सी का मतलब है दैट इज थर्ड। अगर हम बात करें इसके अंदर तो आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हम पार्ट है ही नहीं, हम तो एशिया में रहते हैं। तो थर्ड मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ऑप्शन नंबर वन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ये सुनो, तो एग्जाम में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप एग्जाम में ऐसे आंसर भी कर सकते हो कि जहां पर आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये सही होगा या गलत होगा, कोई बात नहीं। आपको इसके बारे में भी नहीं पता कि ये सही होगा गलत होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है, अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप यहाँ पर आंसर इजीली कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर थर्ड ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ना नहीं है कि भाई हमें नहीं पता,
कभी देखो सोचो कि यार ये तो हमें पता ही नहीं, ये भी नहीं पता, तो छोड़ दो क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, पढ़ लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, शायद आपको कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कॉमन मार्केट एंड कस्टम यूनियन के बारे में, याद है? तो क्या डिफरेंस होता है इनमें, हाउ इज कॉमन मार्केट डिफरेंट फ्रॉम कस्टम यूनियन? गाइस आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट, क्या होना चाहिए इसका आंसर, ए बी सी डी, कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन से किस तरीके से डिफरेंट है? रोहित यादव जी कहते हैं सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ओके तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज कॉमन मार्केट प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर कैपिटल दोनों का ही कंप्लीटली फ्रीडम होती है कि आप इनका भी मूवमेंट कर सकते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर लेबर कैपिटल का भी मूवमेंट हो जाता है। याद करो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एक बार, हमने जो हमारी क्लास नंबर 8th थी, ये तो आई थिंक 9th क्लास है आज, हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन, याद है हमने ग्राफ देखा था यहाँ पर इस तरीके से, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन, फिर आपके कॉमन मार्केट, फिर यूरोपियन यूनियन, इस तरीके से पॉलिटिकल यूनियन, इस तरीके से हमने ग्राफ डिस्कस किया था, है ना? तो जिन बच्चों को नहीं पता है, प्रियंका जी और बाकी बच्चों जिन्होंने नहीं देखा है, जस्ट पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने, परसों की बात है, पिछली क्लास दैट इज परसों, परसों हमने डिस्कस किया था एक ग्राफ बना करके जिसमें हमने समझा था। ठीक है चलिए कोई बात नहीं गाइस, आई होप मैं सभी को समझ में आ गया है, तो बस आज की क्लास में गाइस इतना ही रखते हैं, आज हमारी क्लास थी आज की, और मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो शेड्यूल में ये बता दूं कि आज का जो शेड्यूल है वो ये था कि 11 बजे यूट्यूब पर चलेगी और रात को 8 बजे चलेगी हमारी स्पेशल वाली। ठीक है और स्पेशल वाले में करने वाले हैं आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब लोग टाइम से आ जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मैथ की, ठीक है, रात को 8 बजे वाली। तो गाइस दो तरह के प्लान है, आइकॉनिक एंड प्लस, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड टेस्ट एनालिसिस, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक में 3 प्लान है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, अगर हम बात करें प्लस की तो 4 प्लान है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, तो आप इनको ज्वाइन कर लेना। आजम सर रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आजम सर कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। हमने भी अपना प्लस कोर्स लॉन्च किया पेपर वन के लिए जो कि कल से स्टार्ट होगा, कल मंडे है, नहीं परसों मंडे है, मंडे से स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे रेगुलर बेसिस में यहाँ पर क्लास चलने वाली है, तो आप हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, पेपर वन के लिए हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर आपको। ठीक है चलिए गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है और गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके जल्दी से शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी देखें, समझें कि हाँ यहाँ पे क्लासेस चल रही है। ठीक है तो गाइस मिलते हैं रात को 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, टिल देन कीप वॉचिंग वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।